कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में चीनी मिलों को चेतावनी जारी की है। वरुण गांधी ने चीनी मिलों को कड़े लहजे में किसानों के बकाए का भुगतान करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिए गए बयान के बाद से वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के कयास जोरों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने भविष्य को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अपने संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि चीनी मिलों को किसानों के बकाए का भुगतान करना होगा, चीनी मिल तुरंत पैसों का भुगतान करें। ऐसा नहीं करने पर उनके दरवाजे पर सभा का आयोजन किया जाएगा। अरसिया बोझ गांव में आयोजित इस जनसभा के दौरान उन्होंने विशेष तौर पर दो चीनी मिलों का नाम लिया। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली है, सरकार को इन पदों को भरने का इंतजाम करना चाहिए, इस काम में हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी सांसद ने इस दौरान आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठाया और कहा कि प्रदेश में ये पशु किसानों के फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकार को आवारा पशुओं की समस्या का तुरंत हल निकालना चाहिए। जनसभा के दौरान किसानों ने एक पुलिस अधिकारी की शिकायत की तो गांधी ने मंच से ही फटकार लगाई और कहा कि पुलिस विभाग की शिकायतें बढ़ गई हैं।